तो शो है गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है लद्दाख राइड का हम लोग का सातवां आठवां आठवां दिन है, और कल हम लोग लेह सिटी पहुँचे हैं रात करीबन 7 बजे। एक्चुअली मैं रीजन था लेट पहुँचने का, क्योंकि 200-250 किलोमीटर का सफ़र था, तय करने में काफ़ी टाइम लग गया। उसका मेन रीजन ये था कि यार सारे माउंटेन्स थे, गाड़ी को अच्छा खासा पिकअप नहीं मिल पा रहा था, तो और बहुत दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए इतना दिक्कत हुआ। तो आज हम एक होटल में रुके हैं ले में, राही इन ले करके उसका वो है, और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो ये था हम लोग का रूम, 500 रुपये पर बंदा यहाँ पे हम लोग को रूम मिला है, और काफ़ी अच्छा रूम है, मतलब फैसिलिटीज सारी थी, गाड़ी पार्क है आराम से, सारे बैग्स वगैरह रेडी हैं। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं डीसी ऑफिस के लिए, परमिट बनवाने के लिए ले पैंगोंग थारडुंगला का, और परमिट बनवाएंगे, और थोड़ा सा बाइक का एयर फिल्टर वगैरह चेंज कराना है, क्योंकि बाइक को काफ़ी ताकत लग रही है। तो सो गाइस, तो सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि कल रात का मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाया, क्योंकि मेरे कैमरा और मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई ठंडी की वजह से, यही रीज़न था कि मैं शूट नहीं कर पाया। तो वैसे अब निकलते हैं यहाँ से खारदुंगला के लिए, और बाकी जो मैं आपको सीन और व्यू खारदुंगला तो ये दिखाऊंगा। तो हे गाइस, अभी मैं हूँ सरचू में, और आज है 17 तारीख सॉरी। और यार बहुत कंडीशन बहुत ख़राब है यहाँ की वेदर की, चारों तरफ देखो मेरे, ये देखो अगर देख रहे होगे तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। और यार सबसे ख़राब चीज़ मेरे साथ मालूम है क्या हो गई, सबसे ख़राब चीज़ ये हो गई कि जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी मैं अपने कैमरे में, एक्शन कैमरे में, तो यार जब मैंने आज कल रात को उसको डाटा ट्रांसफ़र करने किया तो मेरा सब एरर हो गया, सब एरर। एक्चुअली कैमरा रिकॉर्डिंग दिखा रहा है, उस पर कोई रिकॉर्ड नहीं हो रहा यार। गाइस मेरा तो ट्रिप बिल्कुल ख़राब हो गया पूरा, मतलब इतनी रिकॉर्डिंग इतनी फोटोज़ थी सब मेरा चला गया। फिर भी यार गाइस अब क्या करूँ, कर भी कुछ नहीं सकता हूँ। तो आज मैं निकल रहा हूँ बारालाचा पास करके मनाली के लिए, और इन केस से देखो कुछ फोटो शॉट्स से वगैरह से काम चल जाएगा, क्योंकि सारा डाटा तो इरर हो गया है। तो अभी निकलता हूँ यहाँ से, और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह होंगे बस वही आपसे शेयर करूँगा, बाकी तो मेरा डाटा पूरा इरर हो गया है। तो गाइस हम सब फिर निकलते हैं, आगे मिलते हैं आपसे। सो है गाइस, अभी हम लोग निकल रहे थे बारालाचा क्रॉस करने के लिए, तो लैंडस्लाइड हो गया काफ़ी भयंकर, और ये पत्थर गिर रहा है ऊपर से, इधर से पत्थर गिरा हुआ है यहाँ पे, तो पीछे सारे बाइकर्स जाम लग गया पीछे, और ये हम लोग फंसे हुए स्नोफॉल पे। इन केस अगर आज ये पत्थर नहीं हटा तो, और बर्फ़ से बुरा हाल है, नीचे झरना भी बह रहा है, तो हम लोग की ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि इतना कपड़ा पहनने के बाद भी बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, और नीचे ग्लेशियर है बिल्कुल बर्फ़ ग्लेशियर। कई बार हम लोग की गाड़ियाँ गिरी, और यहाँ से पत्थर गिर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए पत्थर गिरा हुआ है, पूरा जाम हो गया इधर पे। अब जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा हेल्प करते हैं एक दूसरे की, देखते हैं क्या हो सकता है। चलो भाई सब लोग थोड़ा थोड़ा हाथ लगवाते हैं, कुछ करते हैं, खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। हाँ नजर बचा के सब लोग थोड़ा थोड़ा हाथ लगाते हैं भाई, देख के ऊपर से पत्थर गिर रहा है, देखो भसक रही मिट्टी, ऊपर देखने वाले हम देखते हैं। ए आप लोग एक दो बंदे ऐसा करो, नजर रखो ऊपर, ठीक है, और गिरे तो तुरंत ये बोल देना राइट भागो या लेफ्ट भागो, आराम से, है ना। आप में से कोई भी गिरे तो बोलना कि राइट भागो या लेफ्ट भागो, क्योंकि जब तक देखेंगे तब तक काम हो जाएगा, ठीक है। हम लोग थोड़ा लगते हैं, हाँ हेलमेट ऐसा करते, हेलमेट सब लोग पहनो, और आदमी को लेके आते हैं, ग्लव्स लो, हेलमेट से सेफ्टी रहेगा, क्योंकि भाई ऐसे खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ बुलाते हैं, जिसको आना होगा आएगा, निकलना तो अपने को ही, अपन लोग रेस्क्यू करते हैं, ऐसे क्या होगा, रेस्क्यू टीम पता नहीं कब आएगी। तो गाइस कोई चारा नहीं हम लोग के पास, हम लोग जा रहे हैं खुद सेल्फ हेल्प करेंगे अपनी, सब लोग कुछ राइडर्स को इकट्ठा करते हैं, जाते हैं निकालते हैं, हाल बुरा है यहाँ का। राइडर हो आप, राइडर हो, चलो फिर तो आपसे नहीं बनेगा। हेलो आप लोग, हाल बहुत बेहाल है, ऐसा करो आप लोग, है ना, आप लोग अपने अपने हेलमेट पहन लो, चार पांच लोग है ना, हेलमेट पहन लो, उधर दो तीन बंदे ऊपर नज़र रखेंगे, अपन लोग चलते हैं, थोड़ा थोड़ा हाथ लगाते हैं, सब लोग कर रहे हैं उधर पे, ऐसा रेस्क्यू के भरोसे कुछ नहीं होगा। हेलमेट पहन लो, अगर चलना चाहो तो चल सकते हो,
थोड़ा थोड़ा हाथ लगाते हैं चल के, हो जाएगा। दो चार बंदे ऊपर नजर रखेंगे पत्थर पे, अपन लोग चलते हैं करते हैं, ठीक है? तुम यहीं बैठना, ठीक है? जा रहे हैं, थोड़ा देखता हूँ पत्थर वगैरह उठाता हूँ। अरे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, रेस्क्यू पता नहीं कब आएगा। चलो भाई, है ना दीदी, आप यहीं पे रहो, आप यहीं पे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पत्थर हटाने, अब पत्थर हटाएंगे। बहुत बेहाल है यार, चारों तरफ बर्फ बर्फ है। चलो चलो चलो, क्या हुआ क्या हुआ? चलो थोड़ा हेल्प करते हैं ना, बाइक चल चल के निकल जाएगा। आओ आओ थोड़ा और देखते हैं, हेल्प तो करनी पड़ेगी, है ना? अगर हम लोग नहीं करेंगे यार तो रेस्क्यू पता नहीं कब आएगा। सो गाइस एंड करता हूँ, वो है सामने अपना बना लेगा। तूफानी जाम में फंस गए हम सब, तूफान आ गया, बर्फीला, सारे बाइकर्स खड़े हैं। ये मेरी बाइक है, ये और की, ये मेरे साथी की बाइक है, पीछे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, इतना तूफान है, स्नोफॉल, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ वाइट। मैं खुद भी एक गाड़ी से बैठा हूँ, दबके बैठा हूँ जिससे कुछ राहत मिल सके, एनर्जी चार्ज नहीं। ये देखिए क्या स्थिति हो, कुछ नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कब तक का, 1.5 घंटे हो गए बैठे इस तरह से, और अभी तक तूफान रुक नहीं रहा।